नमस्कार, सांजना 5 વાગી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી 9 સમાચાર, સાથે હું છું માનસી સોની. મોટા સમાચાર સીએએ ને લઈને આવી રહ્યા છે. સીએએ ને લઈને નોટિફિકેશન ટૂંક સમયમાં જાહેર થઈ શકે છે. આજે રાત્રે સીએએ ને લઈને જાહેર થઈ શકે છે નોટિફિકેશન. ગૃહ મંત્રાલય સીએએ ને લઈને જાહેર કરી શકે છે નોટિફિકેશન. મહત્વનું છે કે ગૃહ મંત્રાલય આજે રાત્રે આ નોટિફિકેશન જાહેર કરી શકે છે, જેમાં અનેક મહત્વના મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવશે. तो सीएए ने लईने नोटिफिकेशन जाहिर थशे. लोकसभानी चूंटणी पहला महत्वनो निर्णय घड़वामां आवशे. भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में फेरफार करवामां आव्यो छे. नागरिक संशोधन बिल 2016 में लोकसभा में रजू करवामां आव्युं हतुं. 10 डिसेम्बर 2019 ना रोज लोकसभा अने राज्यसभा में आ बिल पास थयुं हतुं. ज्यारे 12 डिसेम्बर 2019 में राष्ट्रपति की मंजूरी मळता सीएए कायदो बनी गयो हतो. अने अगाउ भारतीय नागरिकता माटे 11 वर्ष राह जोवी पड़ती हती, परंतु हवे तेमां फेरफार करवामां आव्या छे. ए जे नवा निर्णयो छे, नवा फेरफारो छे, ते तमामनी साथे नोटिफिकेशन आजे जाहेर थई शके छे. तेना अमलीकरणने लईने आजे रात्रे लगभग आ सीएए ने लईने नोटिफिकेशन जाहेर करवामां आवे तेवी संभावना अत्यारे व्यक्त करवामां આવી રહી છે. જે ફાઇનલ નોટિફિકેશન છે તે ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. અને આપણે જણાવી દઈએ કે જ્યારે આ બિલ લોકસભા રાજ્યસભામાં પાસ થયું હતું ત્યારે ભારે વિરોધ પણ સર્જાયો હતો. વિપક્ષે વિરોધ પણ કર્યો હતો, પરંતુ વિપક્ષના ભારે હોબાળા વચ્ચે પણ આ બિલ પાસ થયું. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ બિલને પાસ કરાવ્યું હતું. आज ये जानकारी दी जा रही है, ये जानकारी मिली है कि सीएए का नोटिफिकेशन आज से हो सकता है और ये देर शाम किया जाने की संभावना था. लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ये बताया गया कि प्रधानमंत्री खुद राष्ट्र को के सामने आज एक वक्तव्य जारी करेंगे. अब 25 मिनट और बचा हुआ है. उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीए पर जो नोटिफिकेशन आज जारी होना है उसके बावत प्रधानमंत्री कुछ आज अपना मंतव्य या अपना वक्तव्य देश के लोगों को के सामने दे सकते हैं. लेकिन अभी ये एक कयासबाजी ही है, लेकिन एक अंदाजा है जिसको ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सीए के ऊपर आज अपना वक्तव्य दे सकते हैं और उसी पर केंद्रित उनकी सारी बातचीत रहेगी, ऐसा एक अंदाजा लगाया जा सकता है. सुमेरा, फिलहाल जैसा कि आमोद बता रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होने वाला है. हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. पंकज, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका यह संबोधन, क्या संदेश देने की कोशिश हो सकती है? देखिए, एक अनुमान भर है और केंद्रीय गृह मंत्रालय देश के उन राज्यों से लगातार संपर्क में है जहां दिसंबर 2019 में संसद से सीए के पास होने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था और कई लोगों की जान गई थी. यूपी भी उनमें से एक राज्य है जहां 19 दिसंबर को करीब 21 लोगों की मौत हो गई थी. कानपुर, मेरठ, लखनऊ में इतने जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे सीए के खिलाफ. तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी से भी बात की है. तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि संसद से जो पास हुआ था 2019 में और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के 6 महीने के अंदर में उसके गाइडलाइंस जारी होने चाहिए थे, लगातार उसको एक्सटेंशन लिया जाता रहा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रमाणिक भी इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले सीए के जो रूल्स हैं वो नोटिफाई हो सकते हैं. तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज ये मुमकिन है, प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर सकते हैं. और उसी को देखते हुए भी यूपी में खासतौर से तैयारी की गई है. सभी जिलों के एसपी, डीएम, इन सबको 1 फरवरी को बुलाकर ही अलर्ट पर रहने को कहा गया था. बिल्कुल, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को यूपी में भी अलर्ट किया गया और वो खबर भी टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई. और अब ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने एक वक्तव्य रखेंगे और एक बड़ा ऐलान करेंगे. वो क्या होगा उस पर सबकी नजरें होंगी. हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. कुमार, संसद से पारित हुए सीएए को, नागरिकता संशोधन अधिनियम को 5 साल हो चुके हैं और ऐसे में यह खबर सामने आती है कि आज ही मुमकिन है नोटिफिकेशन जारी हो जाए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की खबर, दोनों को जोड़कर देखा जाए.